तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की, जहां पहली खबर लखनऊ से है। 1 अप्रैल से होने वाले आईपीएल T20 क्रिकेट मैचों के आयोजन को लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सुपर जॉयंट्स के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आयोजन के दिन पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है। वही बैठक में डीएम ने बताया कि आयोजन से पहले मॉक ड्रिल करना भी सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्किंग और यातायात प्लान बनाना भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि मैच देखने आने वाले लोगों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो आपको बताते चले कि 1 अप्रैल को आईपीएल मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होना है, जिसको लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आज महत्वपूर्ण बैठक की है। खबर औरैया से है, जहां 2024 का चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच बीजेपी विधायिका गुड़िया कठेरिया ने भी सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब कभी उभर नहीं सकती है, वही समाजवादी पार्टी को तो उन्होंने गुंडों की सरकार बता दिया। साथ ही बीजेपी सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। कांग्रेस क्या घेरेगी, कांग्रेस तो वो कभी उभर के आए नहीं पाएगी। जो कांग्रेस ने सत्ता चलाया था उस समय, तो कांग्रेस से तो कभी कोई पार्टी खुश नहीं हुई है। और जनता बात करते हैं सपा के, तो एक ये गुंडों की सरकार थी, जो गुंडई होती थी हमारी बहन बेटी निकलने में भयभीत रहती थी। हमारे जो घर के पुरुष जो कोई मजदूरी करने जाता था या कोई ड्यूटी करते थे, तो पहले अपनी बेटी को छोड़ने जाते थे, फिर लेने जाते थे। इसके कारण हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, हमारे घर के पुरुष आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारी बेटी कहाँ गई कहाँ नहीं, मार्केट जा रही आ रही, कॉलेज जा रही आ रही, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी 24 में बहुमत के साथ आएगी। ये सब बरगलाने के काम है, गुंडों की सरकार नहीं आएगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां परिवर्तन यात्रा में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है और देश के लोगों में नफरत फैलाकर पैसा लूटना ही बीजेपी सरकार की मंशा है। इसी के साथ ओम प्रकाश ने विकास के विषयों पर बात करते हुए कहा कि विकास कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, 2024 में लोग इनेलो की ही सरकार बनाएगी। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, आज तो हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी चुनाव होंगे इस प्रदेश में परिवर्तन आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। जो समस्याएं आज लोगों के सामने है वो आपकी टीवी और अखबारों की मार्फत लोगों को सुनने को मिल रही है। लोग ज़्यादा परेशान हो रहे और परेशान लोगों ने जुड़ने का निर्णय ले लिया, सब जुड़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन में कर्मचारी महासंघ के नव निर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह और होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सम्मिलित हुए। वही कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायिका किशोर चतुर्वेदी और लोक गायिका दीपक सिंह ने श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का वर्णन करते हुए फूलों की होली के साथ प्रस्तुति पेश की। कर्मचारी महासंघ को शपथ ग्रहण के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सतीश पांडे जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और उनके साथ हमेशा सुख दुख में हम लोग उपलब्ध रहे हैं। अपने सभी कर्मचारी भाइयों को भरोसा दिलाता हूं, उनके सुख दुख में हमेशा उपलब्ध रहूंगा। चुनाव संपन्न हुआ था, थोड़ा नीचे करो, आज उसका शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा था। अभी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री ब्रजेश पाठक जी ने हम सबको शपथ दिलाई है। उनकी उपस्थिति थी आदरणीय मुकेश शर्मा जी सदस्य विधान परिषद, आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी सदस्य विधान परिषद, तमाम वृद्ध वयोवृद्ध कर्मचारी नेता हमारे आदरणीय वीपी मिश्र जी, हमारे तमाम साथी शशि मिश्रा जी, रामराज दुबे जी, सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, भारत सिंह यादव जी, सुशील त्रिपाठी जी, तमाम सारे अरविंद वर्मा जी समेत तमाम सारे कर्मचारी नेताओं की उपस्थिति में आज यह शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ है। इसके लिए मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद हमारा जो होली मिलन का कार्यक्रम है बस तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है और बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। खबर गोंडा से है जहां विद्युत कर्मी कार्य बहिष्कार कर कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए और उनका कहना है कि उन्होंने ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखी थी जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर उन्होंने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका मुद्दा इमरजेंसी सेवा को बाधित करना नहीं है बल्कि अपनी मांगों को पूरा करवाना ही उनका उद्देश्य है। वही कर्मियों का कहना है कि इसके बाद भी अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो सभी कर्मचारी अनिश्चित कालीन के लिए धरने पर चले जाएंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। आज हम लोग कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। आज हमारे बिजली के सभी अधिकारी कर्मचारी संविदा कर्मी लेखाकार बाबू संवर सभी लोग आज यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, मांग बस ये है कि हमें सही से व्यवस्था दी जाए जिससे कि हम क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई कर सके समान रूप से। आज गर्मी के मौसम हो गए हैं, हम लोगों ने पिछले कई सारे ट्रांसफार्मर हमारे अतिभारित हैं, लाइनें अतिभारित हैं, उसके प्राकलन भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन आज उच्च प्रबंधन द्वारा उसके सारे मत को काट दिया गया है। कोई ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि नहीं कराई जा रही है, लाइनों की स्थिति भी जर्जर है और ऐसी हालात में हमें 24 घंटे सप्लाई देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं को मांग को लेकर के भी आज हम लोग इस प्रदर्शन में हैं। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत बिस्कोहर में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और इटवा विधायक माता प्रसाद पांडे शामिल हुए। वह इस कार्यक्रम में स्थानीय सपा नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए और मीडिया से बात करते हुए माता प्रसाद ने बताया कि होली पर्व आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। इस पर्व को हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर हमेशा मनाएं। होली मिलन का आयोजन उसमें मुझे भी होली के बारे में बात तो की और बात सारी बहुत सी बातें और मैंने लोगों से जानने की कोशिश की कि होली प्यार के खिलाफ बोलने का उसके खिलाफ खड़ा होने का एक त्यौहार, जहाँ एक त्यौहार है वही हमको ये संदेश देता है कि हमें अन्यायी और जालिम के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए। अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ले में घर में घुसकर एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि एक युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद जब महिला ने शोर मचाया तो शोर शराबा सुनकर महिला का पति और उसके बच्चे बाहर आए तो आरोपी युवक ने महिला के पति पर चाकू से ही जानलेवा हमला कर दिया। वही गंभीर अवस्था में महिला के पति को जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया है और मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई अब वो शुरू कर चुके हैं। वही घटना के बाद सही आरोपी अब फरार भी बताया जा रहा है। कमाल का लड़का आया, कमालुद्दीन का शाहजेब, उसने आने के पहले तो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और मेरे मियाँ ने देखा और बचाया तो उनके साथ मारा पीटी करी और छुरी लेकर आया और गर्दन काटने की कोशिश करी, मैंने बचाया तो मेरा हाथ भी काटा उनने और मेरे बच्चों के साथ भी हमला करने की कोशिश करी, मेरे देवर जेठों को बुलाया तो उनके ऊपर भी हमला करा उनने, उनने सारे घर में खून की होली खेल दी, उनने मारने की कोशिश करी, पूरी 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 ताकत लगा दी उनने मारने के लिए और बलात्कार करने के लिए मेरा और सारी चीज ये जो भी था सब लूटा लाटी कर दी उनने, पूरा घर तहस नहस कर दी। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने मूवी मैजिक सिनेमा के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों को चेकिंग के लिए जब रोका गया तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में फिलहाल पुलिस लगातार अब जुटी हुई है। थाना लोनी बॉर्डर की टीम के द्वारा आज मूवी मैजिक लालबाग रोड पे चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान लालबाग की तरफ से एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे दो संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर उन्होंने जानलेवा फायरिंग कर दी और फायरिंग करके मोटरसाइकिल को मोड़ करके भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और लालबाग चौकी इंचार्ज को भी बताया गया जरिए से कि वह भी आगे से घेराबंदी करें। पुलिस टीम द्वारा चारों तरफ से अपने आप को घेरता हुए देख करके उन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके फायरिंग की पुनः
पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ। घायल हुए बदमाश ने अपना नाम सलमान बताया और उसके प्रारंभिक आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। 2 दर्जन से अधिक उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब उससे उसके भागे हुए साथी के बारे में पूछताछ की गई तो उसने उसका नाम हरी छोटू बताया है, जिसकी सर्चिंग लगातार जारी है और उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मणिकापुर में कई दिनों से चल रहे नाली के विवाद में जमकर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में युवती सहित 2 लोगों को गोली भी लग गई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में अब भर्ती भी करा दिया गया है, जहां घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें PGI रेफर कर दिया है। बता दें कि नाली को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हुई मारपीट में दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि पुलिस अभी तक इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते जमकर फायरिंग की गई है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। घटना ये घटी थी, पिटांजी रोड बनवा रहे थे तो गार्ड भी उधर से लोग आए और गालियां देने लगे, कर्मचारियों को गालियां दी, हम सब लोगों को गालियां दी, तो एक परिवार के लोग थे उनकी औरतें थोड़ी सी बोल दी तो उन लोगों को घसीट कर के लड़कों ने मारा, तो हमारे चाचा बचाने चले गए कि क्या इनको बिल्कुल मार ही डालोगे, तो हमारे चाचा को भी चिपट पड़े, वो सारे लोग मारने लगे, तो हम लोग चाचा को बचाने गए तो उनकी तरफ के लड़के जो थे उन लड़कों ने हमें भी गिरा लिया और मारा हम लोगों को भी, और हमारे चाचा के लड़के को भी मारा। हमारे घर पर कोई थाने में स्कूल से पढ़ा के आ रही थी बच्चों को, तो हम लोगों को भी घेर लिया। उसके बाद मामला शांत हो गया। आज सुबह ही सुबह 5 ही बजे हम लोगों को तुरंत ही उठते टाइम ये घर में हमला बोल दिया, तुरंत ही गोलीबाजी करने लगे, हम लोग घर के अंदर हो गए तो ये लाठी डंडा पत्थर चलाए और क्या नाम की गोलियां भी चलाएं, गेट फाड़ दिए, महिलाओं को मारने के लिए दौड़े, लड़के भी दौड़े, एक पड़ोस की लड़की आई तो उसके गोली लगो आई तो कह रहे कि इधर आ तेरे भी घुसते, तो उसके 2 गोलियां लगी पेट में और हमारे चाचा के लड़के उस दिन भी चोट थी और आज भी उसके गोली लग गई आँख में। ये हमारी बहन घर के सामने झाड़ू लगा रही थी, जबकि जिनसे लड़ाई जिन लोगों ने गोली चलाई इनसे हमारी कभी लड़ाई भी नहीं हुई। इनका कल विवाद हुआ था पड़ोस में, उसको लेकर के इन्होंने आप सुबह से ही लगभग 6 बजे के आसपास गोली चलाना शुरू कर दी, जबकि इन लोगों ने गोली चलाई इनसे हमारी लड़ाई भी नहीं हुई। किन लोगों ने गोली चलाई, क्या नाम है? संजीव कुमार सन ऑफ अवधेश सिंह, इनका पूरा परिवार साथ था गोली चलाने के लिए, ये आर्मी में तैनात है, कल ही आई छुट्टी पर गोली चलाने के लिए, मतलब दबंगई, मतलब पूरा अपना दबंग बनाने के लिए गांव में गुंडागर्दी वो दिखाने के लिए, गांव को मतलब परेशान करने के लिए गोली चलाई और लगभग 2 से 3 मीटर दूरी गेट के सामने गोली मार दी, इससे पेट में गोली लगी। सानी कर रहे थे और उनने गोली वहां से चलाई, लड़की यहां खड़ी थी और उससे गोली मारी, कह लो तुम भी गोली एक ले लो, और दोरा के सामने गिर पड़ी लड़की। मतलब आपका कोई झगड़ा हुआ था इन लोगों से क्या? मेरा कुछ झगड़ा नहीं हुआ। फिर आप लोगों से क्या? मैं अपने घर पे खड़े थे। अच्छा, सब लोग खड़े थे और उसने गोली मेरे, तुम साले क्यों खड़े देख रहे हो, तुम भी गोली लो। अच्छा, किन लोगों ने मारा था? संजीव ने। 2 घायलों को थाना बेवर की पुलिस लेकर आई है और दोनों का इलाज कर दिया गया है। तो से मार क्या लगा है, किस तरीके की इंजरी दिखने को मिली है इसमें? एक लड़की को तो गनशॉट साफ साफ बिजली लगा है और तो उसके लिए एक्सरे का एडवाइस किया गया। ये बेवर थाना क्षेत्र के मनकापुर गाँव में 2 पक्षों में नाली के विवाद को लेकर के ईंट पत्थर और गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो उसमें 2 लोगों के, एक प्रिया है लड़की और दूसरा राहुल है, जिनको गोली के चोट लगी है और इनको मेडिकल में भेजा गया है, और इसमें से जो पक्ष गोली चलाने वाला है उसमें से एक अवधेश को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। उसमें अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होते हुए उसमें FIR दर्ज किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। इस घटना में राहगीर समेत आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है, साथ ही गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर थाने का ही चौकीदार है। वही घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने गाड़ी चलाने वाले चौकीदार को जमकर पीटा भी है। वही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने चौकीदार को हिरासत में लिया है और अब कार्रवाई में जुट गई है। ये थाना लमुआ में आज ये लगभग 11 बजे करीब एक दुर्घटना हुई है, जिसमें
थाने की जो सेकंड मोबाइल है उसके द्वारा कुछ एक बोलेरो से टक्कर हुई और एक उसमें दो इंजर्ड हुए हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है और आगे की भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। खबर औरैया के कुदरकोट थाना क्षेत्र के आर्मपुर की है जहां ओमनी कार में अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि आग का गोला बनते ही कार को देर नहीं लगी। पुलिस को जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बता दें कि पहलाद निवासी अपनी कार खड़ी करने के लिए जा रहा था तभी अचानक उसमें भीषण आग लग गई और आग लगने से कार आग का गोला बनते ही जलकर राख हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। सर सर्किल भाई भैया डेक से भैया स्पार्किंग भैया डेक से। अच्छा तो कहाँ से आ रहे थे आप? हम झिझक से आ रहे थे भैया। अच्छा ये कौन सा गांव है? आरमपुर। आरमपुर के सामने? आरमपुर गांव और समर पर जा रहे थे भैया, गाड़ी खड़ी कर वहीं खड़ी हो तो ना गांव समर पर। अच्छा अच्छा तो ये कोई जान हानि कितने लोग थे इसमें? इसमें हम दो लोग थे। अच्छा मतलब बुकिंग छोड़ के आ रहे थे हम दो लोग थे जी। तो एक लोग तो हुए उतरिए विधुना जी, बाकी हम अकेले थे समर पर खड़ी करके घर पर जा रही थी। अच्छा खड़ी नहीं पाई समर पर तो रास्ते में खड़ी थी ना। विधुना से आ रही थी और ये यहाँ पे गांव के पास पहुँचते ही उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। अच्छा कितनी देर हो गई है? अभी हुआ है 15-20 मिनट। कानपुर में पुलिस को एक ऐसी चिट्ठी हाथ लगी है जिसमें जुर्म को खुद कबूल किया गया है और जुर्म में शामिल सभी लोगों के नाम भी उजागर किए गए हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले SBI बैंक में डकैती करने का कानपुर से एक मामला सामने आया था जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई थी लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। वही अब एक गुमनाम चिट्ठी पुलिस के हाथ लगी है जिससे पुलिस महकमे में भी अब हड़कंप मच गया है। बता दें कि चिट्ठी में डकैती का जिक्र किया गया है और डकैती में शामिल कुछ लोगों के नाम भी उजागर किए गए हैं। साथ ही चिट्ठी भेजने वाले शख्स ने यह भी कबूल किया है कि इसमें उसका भी नाम शामिल है, यानी वो भी शामिल है, उसको उसका हिस्सा ना मिल पाना जिस कारण वो ये सब कर रहा है। वही कानपुर कमिश्नर DP जोगदंड ने बताया कि इसकी जांच कानपुर वेस्ट DCP विजय ढूल को दी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक गुमनाम पत्र यहाँ के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के ऑफिस में पहुंचा था। उस पत्र की कॉपी समाचार पत्र द्वारा इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराई गई थी। इसमें किसी गुमनाम व्यक्ति ने कुछ अन्य लोगों के नाम दिए हैं और कहा कि ये आशय है उसका कि इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है। उसने स्वयं भी स्वीकार किया कि वो भी घटना में सम्मिलित था तथा उसको शेयर नहीं मिला है। जो घटना के बारे में तथ्य और जो अन्य तथ्य उसमें दिए गए हैं पत्र में, इस समस्त तथ्यों की जानकारी के लिए मैंने DCP वेस्ट श्री विजय ढुल को निर्देशित किया है। वो जाँच कराएंगे। ये देखना आवश्यक है इसमें कि ये एक कोई शरारत तो नहीं है, क्योंकि जो नाम उस पत्र में आए वो कोई ऐसे नॉन क्रिमिनल्स के नहीं हैं और उनके पूरे एड्रेसेस भी उसमें नहीं दिए हैं, लेकिन रहने वाले कानपुर नगर क्षेत्र के ही बताए गए हैं। तो इनको कल से वेरीफाई किया जा रहा है और यदि इनमें कोई तथ्य पाए जाते तो तदनुसार कार्रवाई होगी। कासगंज में सहावा रोड स्थित सबीना कॉम्प्लेक्स पर समाज सेवियों ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया। वही कार्यक्रम के शुभारंभ में पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बिना हेलमेट चला रहे बाइक सवारों को हेलमेट लगाकर उसका प्रयोग करने की सलाह दी है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने के विषय पर लोगों को जागरूक भी किया और सभी से हेलमेट पहने रहने की भी अपील की है। वही इस कार्यक्रम में 100 हेलमेट का वितरण भी किया गया। खबर कासगंज से है जहां सड़क के किनारे 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही शव के पास से शेखोपुर से कादर चौक का रोडवेज बस का टिकट और कुछ रुपए भी बरामद किए हैं जिसके बाद पुलिस ने शव की पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। थानागंज गुरुद्वारा जनपद कासगंज में आज एक लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति के शव के मिलने की जानकारी मिली। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक की टीम के द्वारा जाकर वहां पूरा
उसका तहकीकात किया गया तो मृतक के शव पर कोई भी जायदाद चोट नहीं पाई गई। उसकी जेब से एक रोडवेज का यात्रा टिकट मिला है, साथ ही कुछ दवाएं मिली हैं। शव का शिनाख्त कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है और पंचायतनामा आज की कार्यवाही करते हुए शव को मर्सिडीज भिजवाया गया है। हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा भी उसकी जांच की गई है। अन्य कारणों के संबंध में जानकारी मिलने पर आपको अवगत कराएं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।